श्रीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बताते चलें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों की फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिससे उनके केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में लड़ने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज चैनल हो, कोई पोर्टल हो, सब डाल रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कोई दावेदारी नहीं की है, ये तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। और कांग्रेस अभी जैसे बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटालो को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। केदारनाथ की लड़ाई को भी, चुनाव की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार एकजुट होकर लड़ेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि बद्रीनाथ में भी सरकार ने हर तरीका अपनाया, भाजपा ने हर तरीका अपनाया चुनाव जीतने का, और केदार बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। बेरीनाग में एक देश एक चुनाव के तहत और त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय बेरीनाग में तालाबंदी की और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक कार्यकाल 2 वर्ष नहीं बढ़ाया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 3 अगस्त को सीएम आवास देहरादून भी कूच करने की बात कही है। संगठन की तरफ से जो प्रदेश से हमारे आदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आया है कि पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में तालाबंदी का आयोजन किया गया है, उसी के तहत हम भी यहां पर आज तालाबंदी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़े, जो कि कोविड के कारण हम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमें सरकार पर और पंचायती राज मंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग सुनेंगे और सकारात्मक पहल होगी। अल्मोड़ा पुलिस की ओर से जनहित में एक आवश्यक सूचना देते हुए बताया गया है कि जागेश्वर धाम से 1.5 किलोमीटर पूर्व सड़क धंसने के कारण अवरुद्ध हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्त 4 पहिया वाहनों के लिए मार्ग को प्रतिबंधित किया गया है, केवल 2 पहिया वाहनों का ही आवागमन हो पा रहा है, जिसके चलते जागेश्वर धाम जाने के लिए शटल सेवा को 2 भागों में बांटा गया है। पहली शटल सेवा श्रद्धालुओं को सड़क धंसी होने के स्थान तक ले जाएगी और दूसरी शटल सेवा वहाँ से मंदिर तक ले जाएगी। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन की ओर से अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालयों में तालाबंदी की गई, जिसके चलते विकासखंड से संचालित सभी कार्य पूर्ण रूप से बाधित रहे। प्रदेश स्तर पर हुई इस तालाबंदी पर ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि पिछले 24 सालों से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में 2 बार कराए जा रहे हैं, जिससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि 13 जिलों में से हरिद्वार जनपद के चुनाव बाकी राज्यों से अलग कराए जाते हैं। इसलिए ग्राम प्रधान संगठन अब सरकार को एक राज्य एक चुनाव की बात को मनाने में लगा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधान संगठन की ओर से तालाबंदी की गई। साथ ही आगामी 3 अगस्त को प्रधान संगठन का मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम प्रस्तावित है। एक राज्य में एक ही चीज के चुनाव 2 बार करवाना ये राज्य के लिए भी जो है हितकर नहीं है और राज्य की अस्मिता के लिए भी ये सही नहीं है। तो मैं अपने राज्य की सरकार से ये कहूँगा, और हम जैसा कि हमारी केंद्र सरकार, हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि एक प्रदेश एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, तो सारी बातें जब इस तरीके की हो रही हैं, मैं कहूँगा कि उत्तराखंड अगर सीएए लागू करने वाला पहला राज्य हो सकता है, तो उत्तराखंड की धामी जी की सरकार जो है क्यों नहीं जो है एक राज्य एक चुनाव पर जो है पहल करती है। अगर आप सीएए में जो है अगर आप इसका जो है वो लेना चाह रहे हैं
कि पहला राज्य आप उत्तराखंड को कह रहे हैं, तो एक राज्य एक चुनाव की भी जो है आपको जो है बात जो है रखनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।